अहीर की बुद्धि 12 बजे खुलती है, अहीर का दिमाग घुटनों में होता है, अहीर तो भैंस चराते हैं। आपने ये ताने खूब सुने होंगे, लेकिन ये ताने मारने वाले ये नहीं जानते कि ये ताने ही मारते रह जाते हैं और अहीर यानी यादव आगे निकल जाता है। आज पूरी दुनिया में एक ही नाम गूंज रहा है और वो नाम है मयंक यादव का। ये भी तो अहीर ही है, लेकिन ये बिहारी अहीर है। आज इसकी गेंदबाजी की रफ्तार देखकर दुनिया इसके सामने नतमस्तक है। रफ्तार का ये सौदागर हर दिन नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, गेंद से ऐसा कयामत ढा रहा है कि दुनिया हैरान है कि 22 साल का ये यादव छोरा इतनी स्पीड कहां से पैदा कर रहा है। दुनिया भर के दिग्गज मान रहे हैं कि ये आने वाले समय में शोएब अख्तर का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। अभी तो सिर्फ 22 साल की उम्र में ऐसा गदर काटा है कि बड़े बड़े बल्लेबाज सामने खड़े होने से डर रहे हैं। तो सोचिए 3-4 साल बाद जब ये लड़का 25-26 साल की उम्र का होगा तो फिर गेंद से कैसा कहर भर पाएगा। शोएब अख्तर, ब्रेटली, डेल स्टेन, शॉन टेट, सबको भूल जाइए। रफ्तार का ये नया सौदागर है और इसे सलाम करिए। और हाँ, एक बात और कह रहा हूँ, जोर देकर कह रहा हूँ कि ये अहिर है, ये यादव है और इसका दिमाग घुटनों में नहीं, रफ्तार घुटनों में है और ऐसी है कि आपका दिमाग घुटनों तक आ जाएगा इसे देखकर। और ये अकेले नहीं है, ये रफ्तार से बल्लेबाजों को डराते हैं। तो एक और गेंदबाज है कुलदीप यादव, जो अपने चाइनामैन गेंदबाजी से बल्लेबाजों को फंसा लेते हैं। कुलदीप भी अहिर ही हैं। ये तो रही गेंदबाजों की बात, बल्लेबाजों की बात करें तो सूर्य कुमार यादव को तो आप नहीं भूले होंगे। उनका बल्ला गरजता है तो कैसे कयामत आती है सबने देखा है। सूर्य कुमार यादव भी अहिर ही हैं। तो क्या आप अहिर पे जब सवाल उठाते हैं तो सूर्य कुमार यादव को भूल जाते हैं? इस बार इंजरी के कारण वो बाहर भले ही हैं और मुंबई इंडियंस का हाल आज ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्या नहीं है। हर कोई जानता है कि अगर ये अहिर छोरा इस समय मुंबई इंडियंस में होता तो शायद पॉइंट टेबल में मुंबई इंडियंस इतना नीचे नहीं होती। सबको मालूम है कि सूर्या जब पीच पे उतरता है तो अपने बैट से ऐसा आग उगलता है कि गेंदबाजों की शामत आ जाती है। तेज गेंदबाजों में आप सीनियर खिलाड़ी उमेश यादव को भी मत भूलिएगा, वो भी अहिर ही हैं, लेकिन आज भी ऐसा दमखम रखते हैं कि कहीं से भी मैच पलट देते हैं। एक और लड़का है सोनू यादव, ऑलराउंडर है, कभी उसका भी खेल देखिएगा। और ये तो सिर्फ क्रिकेटर हैं, इसके अलावा खेसारी लाल यादव, भोजपुरी के इस समय के सबसे बड़े ट्रेंडिंग स्टार, अहिर हैं, भैंस चराते थे, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, दूध बेचते थे, लेकिन आज कहाँ हैं? करोड़ों की गाड़ी डिफेंडर से चलते हैं, करोड़ों का मकान मुंबई में लिए हैं, अहिर हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ, अहिर हैं, यादव हैं, लेकिन आजमगढ़ से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी पे, जीतने का भी चांस बहुत ज़्यादा है उनका। तो अहिरों के खिलाफ माहौल बनाना, उनका मजाक उड़ाना छोड़िए, प्रतिभा देखिए और ये जान लीजिए, जाति नहीं, प्रतिभा से और देश के प्रति उनके समर्पण से देश आगे बढ़ता है। और ये जितने बच्चे हैं देश के लिए अपने आप को झोंक देते हैं, मयंक यादव इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। आप समझ ही गए होंगे, बाकी तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों बार बार इसमें अहिर और यादव कह रहा था, क्योंकि आप ये जो तंज कसते हैं वो आप पे ही भारी पड़ेगा। तो अगले वीडियो में प्यार देते रहिए, नमस्कार।